सा जय श्री किसान विजय श्री किसान झुंझुनू जिला मुख्यालय पर हैं। बीरबल जी रेवाड़ जो शिक्षक हैं और इनकी श्रीमती आदरणीय सरोज जी जो वाइस प्रिंसिपल है, आपका बेटा हिमांशु रेवाड़ यूपीएससी एग्ज़ाम 2023 का 16 अप्रैल 2024 को आए परिणाम में सेलेक्ट हुआ है और आईएएस बनना अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित पल है। हमने टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से आईएएस सम्मान समारोह 2024 जयपुर में किया था तो उसमें रेवाड़ परिवार पहुंच नहीं पाया, तो वो अवार्ड स्पेशली देने के लिए हम झुंझुनू आए हैं। और मेरे साथ में जाट फाउंडेशन झुंझुनू के अध्यक्ष सम्माननीय जानू साहब हैं, शिवकरण जी, हमारे मित्र बड़े भाई साहब झुंझुनू सदर के सीआई आदरणीय दयाराम जी चौधरी हैं, हिमांशु के पिताजी बीरबल जी हैं, माताजी सरोज जी हैं, उनके साथ में हमारे रामस्वरूप जी तिलोटिया, उससे पहले हिमांशु का मनोज भाई हैं और हिमांशु के अंकल जी हैं, ताऊ जी हैं, अमीलाल जी पड़ोसी हैं और हर्षित भैया हैं। तो सबको बहुत सारी बधाई और अब मैं ये अवार्ड आपके बीच में सर को भेंट करता हूँ। बनने वाले से ज़्यादा बनाने वाला महत्वपूर्ण होता है और इसलिए बनाने वाले को ये मेडल और प्रशस्ति पत्र हम भेंट कर रहे हैं। और जानू साहब लाओ, तो ये सम्मान, ये स्वागत हम सबके लिए बहुत ही सराहनीय और झुंझुनू जो जुझार जी जाट की द्वारा स्थापित है, जिस झुंझुनू की अपने आप में बड़ी पहचान सैन्य सेवा में, प्रशासनिक सेवाओं में, उद्योग वाणिज्य व्यापार में, सामाजिक सरोकार में, शिक्षा में, पूरी दुनिया में है, तो उस झुंझुनू में ये सम्मान प्रदान करके हम हर्षित और गौरवान्वित है। हिमांशु के पिताजी सम्माननीय बीरबल जी से निवेदन करूँगा कि बच्चे की सफलता के बारे में, सलेक्शन के बारे में, परिवार के बारे में बताएं। सबसे मैं पहले मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि टोंक से यहाँ तक पहुँचे यहाँ पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बीरबल सिंह रेवाड़ शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोरा उदयपुरवाटी। मेरे दो बच्चे हैं, बच्ची MBBS डॉक्टर है और छोटा बेटा जो हिमांशु है उससे 4 साल छोटा है। इसने 2016 में IIT दिल्ली से BTEC किया और 12th के साथ ही 45 रैंक रही थी इसकी। सीकर का टॉपर रहा था, सीकर का नहीं, सिकावटी का ही जो है ना, IIT में टॉप रैंक हासिल की थी इसने, 45 रैंक। इसके बाद IIT दिल्ली से इसने कंप्यूटर साइंस में BTEC किया और लाखों में इसका पैकेज था। इसके साथ वाले बच्चे आज 1 करोड़ या क्रॉस कर गए हैं, एक दो बच्चे ऐसे भी हैं। लाखों में पैकेज को ठुकराते हुए मेरी और मिसेज जो है, इन दोनों की एक इच्छा थी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, एक IAS अधिकारी जो है अपने परिवार में, गांव में है, तहसील जाकर, तहसील का भी है, कोई इक्का दुक्का होगा या होगा ही नहीं, तो ये हमारी बहुत बड़ी तमन्ना थी और ये इस बच्चे ने हमारे लाडली ने पूरा कर दिया। इसके लिए हमारे पूरे गांव को बहुत बहुत गर्व है, पूरी कॉलोनी में हर बच्चे बच्चे के चेहरे पर बड़ी मुस्कान है, जितने भी साथ वाले हैं, स्टाफ कर्मी हैं। हमारे स्कूल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, मैडम के स्कूल में सैकड़ों लोगों का काफ़ी हुजूम इकट्ठा हो गया था, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था, हर चेहरे पर खुशी। मैं मदर से भी निवेदन करूँगा सरोज जी से, सरोज जी आप भी बच्चे की सबसे बड़ी देन है, देखो इनकी है सबसे बड़ी देन होनी चाहिए, क्या बात है जी। बच्चे के बारे में, बच्चे के बारे में तो सबसे पहले माँ आप टीम को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस टाइम आप भूल गए लेकिन भूले नहीं, आज भी आप ही हैं, टाइम जाने के बाद भी आए हो, इसलिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक। तो बच्चे के लिए तो ये कहूँगी कि बच्चा शुरू से ही बड़ा मेहनती था जी, और सर ने बता दिया उनकी वो तो शिक्षा के बारे में, तो लेकिन शुरू से ही वह बड़ा मेहनती था। उसकी ये तमन्ना रहती थी कि मैं कुछ न कुछ करता रहूँ, कि आगे जाके कुछ करूँ। अब भी देखो इसका रिजल्ट 16 को आए 17 का आए, दिल्ली से वापस आया, फिर वो तुरंत 20 को चला गए वापस। तो बच्चे के बारे में तो देखो इस तरह के एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसमें तो सारे गुण मिलते ही बिल्कुल, और उसको लेकर हमारे मोहल्ले में, गांव में, ननिहाल में, सब में बड़ी खुशी है और आज खुशी है तभी आप ही सारे इकट्ठे हुए। हमारे बीच CI साहब हैं जो झुंझुनू सदर थाने के इंचार्ज हैं। CI साहब, आज बहुत खुशी है कि हिमांशु को ये IAS चयनित होने पर अवार्ड देने आए। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे ज़िले की टीम, JVP मीडिया की टीम, हरिराम जी किवाड़ा
यहाँ पर एक सेलेक्ट आईएएस को सम्मानित करने के लिए आए हैं और मुझे याद किया है और मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिस ज़िले में समाज ने जाट समाज में एक हीरे को जन्म दिया उस घर में आज मैं आया हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह से सफलता है आपका बेटा प्राप्त करें, आप प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। हमारे बीच में शिवकरण जी जानू साहब हैं जो हमारे उस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे और आज भी ब्लेसिंग और गुड विशेज के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले तो राम जी किवाड़ा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने हमारे लाडले के लिए, हिमांशु के लिए टोंक से यहाँ आकर के भी आपके दोनों माता पिता बिरबल जी, मैडम सरोज जी, उनके छोटे उनके बड़े भाई और उनके परिवार को बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो इस खास मतलब विशेष करके इस बेटे ने हमारे ज़िले का बड़ा नाम रोशन किया है और हमारे समाज का भी नाम रोशन किया है, तो मैं बारम्बार बधाई देना चाहूँगा। हमारे बीच में एडवोकेट भंवर लाल जी हैं, बीएल चौधरी साहब। बिरबल जी मेरे शुरू से परम मित्र हैं, सहपाठी हैं। बच्चे को मैं शुरू से जानता था, वो बहुत ही मेधावी लड़का था। मैंने भी कई बार बिरबल जी को मोटिवेट किया कि यार ये यूपीएससी की आप तैयारी करवाओ, ये लोग ये कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बिरबल जी को मैंने कई बार कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये IIT करके विदेश चला जाएगा। एक लड़का है भाई, अपन कहाँ इनके पीछे पीछे फिरेंगे। ये UPSC में अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो समाज में नाम होगा, समाज के लोगों के काम में आएगा और अपने पास एक लड़का यहाँ रह जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इन्होंने मेरी बात सुनी, फिर उनको मोटिवेट किया बच्चे को भी। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम स्वरूप जी तिलोटिया साहब हैं जो यहाँ के बड़े बिजनेसमैन और सामाजिक सरोकारी हैं। बिरबल जी को, सरोज जी को, आपको सबको राम राम। और मारे तो ये बच्चों सागे दूसरी तीसरी पर तो जितनी सागे रहते हो एक ही मकान में रहना, जिद से बहुत सीधे और बहुत होशियार हो तो वह कह रहे टापर के पालन देखे शिव साहब शुरू से ये कमरे में छोट लो जल्दी को निकल दोबारा और तो बहुत ही सफलता, बहुत बढ़िया सफलता प्राप्त की। बहुत धन्यवाद। ये हिमांशु के भैया हैं, बड़ा भाई है, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है, क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं आपकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मेरे छोटे भाई का जो सिलेक्शन हुआ उसके सम्मान समारोह के लिए आप लोग इतनी दूर से पधारे हैं, मुझे और मेरे गांव और मेरे शहर के हर बंदे को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मेरे भाई ने सबका नाम रोशन किया है। हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, सब छोटे बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत है कि सब लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और समाज की सेवा करेंगे, जाट समाज की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, पूरे देश की अब वो सेवा करने वाला है। हमारे स्कूल लेक्चरार साथी हैं और पड़ोसी भी हैं हिमांशु के। मुझे बहुत खुशी है, सबसे पहले तो JVP टीम और यहाँ पर पधारे हुए मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारा भाई है हिमांशु रेवाड और हमें बहुत गर्व है हमारे किसान कॉलोनी को, हमारे समाज को, हमारे देश को। और ये सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे जो किसान कॉलोनी में जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है और मुझे बहुत खुशी है ये इसी प्रकार आगे बढ़ता है। बिल्कुल, हाँ बाबूजी, आप भी अपनी खुशी व्यक्त कर दो। सबसे पहले तो मैं टीम को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ तक कि आप सम्मानित करने के लिए बच्चे गए हो। दरअसल ये बच्चा हमारे गांव का फर्स्ट IIT था और अभी फर्स्ट IAS भी बना है। वेरी गुड, तो गांव के लिए तो बहुत ही गौरवान्वित पल है। इसको मोटिवेशन देख के मेरा खुद का बच्चा जब IIT में ये सिलेक्ट हुआ था, मेरा खुद का बच्चा मैं यहाँ लेके आया, उनको देखा तो मतलब वो भी मोटिवेट हुआ, आज वो भी IIT कर रहा है। और तो आगे जाके बच्चे बहुत ही मतलब गौरवान्वित हो रहे हैं, काफ़ी मोटिवेशन हो रहा है गांव में भी। अब काफ़ी बच्चों का लगाव हो गया है JEE की तरफ से, मेडिकल की तरफ से, वरना पहले कहाँ एक दो शिक्षक थे, आगे कुछ था ही नहीं, अब काफ़ी अच्छा लगा। चलो बहुत अच्छा लगा बाबूजी। इस कार्यक्रम के सबसे वरिष्ठ आदमी आप, सीनियर सिटीजन। सबसे पहले मैं यहाँ आई हुई टीम को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ आकर के और हमें हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। ये बच्चा शुरू से ही बहुत होशियार था, बहुत मेहनत करता था और उसका फल भी इनको मिला। इनके माता पिता भी इनकी बहुत ही शुरू से ही केयर करते थे और इन्होंने हमारे मोहल्ले का बहुत ही मान सम्मान बढ़ाया है। यानी इनके चयन होने से और बच्चे हैं वो भी बहुत मोटिवेट हो रहे हैं और ऐसे बच्चे जब आगे निकलते हैं तो सब में खुशी होती है, हम सब बहुत खुश हैं। शिक्षा सफलता ही सबको खुशी प्रदान करती है। अमीलाल जी, राम जी किवाड़ा साहब टोंक से झुंझुनू पधारे, इनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।
दयाराम जी चौधरी सियाई साहब भी पधारे, इन्होंने बड़ा मौका दिया है। हिमांशु शुरू से ही बहुत ही मेघावी बच्चा था, इनके माता पिता को भी बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ बीरबल जी एवं सरोज जी को। हम इनके पड़ोसी हैं, शुरू से देखते थे। लास्ट जो चांस था बच्चे ने यह तक कर लिया था, जैसे एक संत तपस्या करता है उसी तरीके से यह तक कर लिया अबकी बार फाइनल सेलेक्ट होगा। तो बीरबल जी हम बातचीत करते थे तो ये फाइनल था भाई अबकी बार हो जाएगा, कॉलोनी को भी इससे अच्छा अनुसरण मिलेगा, बच्चों में लालसा है कि भाई जैसे हिमांशु आगे निकला हम भी निकलें, और मेरे बच्चे भी इसके अनुसरण थे। बेटे ने भी IIT किया है, वो बेटी फाइनल ईयर है IIT दिल्ली। काफ़ी खुशी का दिन है, इसे काफ़ी बच्चों को अनुसरण का मौका मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, सबसे पहले आपकी टीम का धन्यवाद जो यहाँ पर आकर हिमांशु के सम्मान समारोह में सम्मान समारोह कर रहे हो। अब मैं हिमांशु को बधाई देना चाहता हूँ और हिमांशु के लिए ये चाहता हूँ कि आगे और अच्छी रैंक पर हासिल हो। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ये झुंझुनू जिला मुख्यालय पर किसान कॉलोनी में हिमांशु रेवाड़ और उनका पूरा परिवार है, और ये छोटा सा समारोह बड़ा सारा संदेश दे रहा है। जब हम एंटर कर रहे थे तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से गेट है कॉलोनी का, आगे सर छोटू राम जी के नाम से एक नगर का नाम है, एक पार्क का नाम है। तो चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम दोनों ही इस भारत देश की वो महान विरासत हैं जिन्होंने कहा था ए भोले किसान तू बोलना सीख जा, दुश्मन को पहचान ले। आज शिक्षा की इस ताकत से, ज्ञान की शक्ति से, भारत के संविधान की प्रदत्त शक्तियों और अवसरों से राष्ट्र सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी बधाई और धन्यवाद।